हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 7 का देखेंगे टॉपिक इंटीजर। ओके, ये मेरा पार्ट 1 है, यहाँ से स्टार्टिंग कर रही हूँ क्लास 7 का वीडियो। ओके, और मेरा चैनल है मैथ्स बाय पुष्पा, आप लोग प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, तो चलिए हम लोग टॉपिक का स्टार्ट करते हैं इंटीजर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटीजर होता क्या है। तो इंटीजर आपका क्या होता है, आप कोई भी नंबर आप क्या कीजिए, राइट कीजिए, जैसे कि इंटीजर्स में क्या होता है कि आप कोई भी नंबर लिखते हैं, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जैसे कि माइनस इनफिनाइट से लेके -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... अप टू इन्फिनाइट। मतलब कि क्या है, इंटीजर आपका क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन के पार्ट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इंटीजर, यानी कि PQ, यानी कि न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में नंबर नहीं रहेगा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ओके, इंटीजर में अपने एक वीडियो बेसिक ऑफ नंबर में काफी अच्छे से बताई हुई हूँ, आप वहां से जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है इंटीजर का, नेचुरल नंबर का, हॉल नंबर का, ओके, ये सब आपको क्लियर हो जाए। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता के निकल रही हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आप लोग उस वीडियो को देखिए, बेसिक ऑफ नंबर, वीडियो का नाम क्या है, बेसिक ऑफ नंबर का पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 1, उसका 2 पार्ट में है, पार्ट 1 वीडियो में देखिए ये सब सारा कुछ बताया हुआ है। ओके, अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जो भी आपका काउंटिंग नंबर है वो नेचुरल नंबर होता है, यानी कि निगेटिव वाला नहीं, बोलने का मतलब क्या, जो पॉजिटिव में नंबर हो जिसे आप लोग काउंट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 ... इन्फिनाइट करने का मतलब क्या कि नंबर आप कितना आगे तक भी काउंट कीजिए उसका एंड नहीं होगा। ओके, और इसी में क्या होता है मेरा, हॉल नंबर। तो हॉल नंबर में क्या हो जाएगा, हॉल नंबर में क्या हो जाएगा, 0 इंक्लूड कर देंगे अगर हम नेचुरल नंबर में, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, हॉल नंबर। ओके, और एक बात नोट करने की है, 0 मेरा क्या है, इज नॉट पॉजिटिव नाइदर निगेटिव। ओके, यानी कि जो 0 मेरा नहीं पॉजिटिव होता है और नहीं निगेटिव होता है। ओके, 0 मेरा नहीं पॉजिटिव होता है, नहीं निगेटिव होता है, ठीक है, यानी कि नहीं वो प्लस में होता है और नहीं वो मेरा माइनस में होता है। आई होप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं हुई होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या, एडिशन की ओर, है ना, एडिशन ऑफ इंटीजर में। एडिशन ऑफ इंटीजर कैसे करते हैं, जैसे कि आप लोग को दे रहा है कोई नंबर, एडिशन ऑफ इंटीजर, एडिशन ऑफ इंटीजर में देखेंगे, जैसे कि मुझे एक क्वेश्चन दे रहा है -5 है और -3 है, तो मैं इसे ऐड कैसे करूंगी, एक क्वेश्चन दे रहा है 8 है +5 है, दोनों नंबर मेरा प्लस में है, तो क्या करूंगी, देखिए यहाँ पे दोनों का साइन क्या है मेरा, सेम है ना, यहाँ भी दोनों का साइन सेम है, तो सबसे पहले हम साइन देखेंगे, साइन क्या, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होगा, जुटेगा, ठीक है, तो 5 और 3 क्या होगा, 8, और यहाँ पे 8 और 5 क्या होगा, 13, लेकिन साइन क्या लगेगा, इसके आगे दोनों में क्या प्लस साइन है, इसलिए यहाँ पर प्लस, इस दोनों में आगे में क्या माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस, तो समझ में आया, माइनस साइन यहाँ क्यों लगा, क्योंकि ये दोनों नंबर के आगे मेरा क्या माइनस साइन है, इसलिए माइनस, इन दोनों आगे साइन के आगे क्या है मेरा प्लस साइन है, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन लगा। आई होप आप लोग इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाइए, और इस पर मैं एक और वीडियो बनाई हुई हूँ, ओके, जिसका नाम है क्या, रूल ऑफ साइन, एक है रूल ऑफ साइन, जिसमें मैं साइन को अच्छी तरह से बताई हुई हूँ कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, फिर यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, ये होता है माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, ये होता है मेरा माइनस। ओके, ये चीज को जानना जरूरी है हम लोग को,
एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बीच में, क्योंकि हम लोग जब दो साइन को हम जब देखते हैं तो क्या होता है वहां से मालूम चलता है। तो आप रूल ऑफ साइन मेरा एक जो वीडियो है उसे प्लीज आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो हम लोग चलिए आप आगे बढ़ते हैं, ओके। अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है प्लस 8 प्लस माइनस 9, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां देखिए प्लस 8 है तो आप इसे 8 भी लिख सकते हैं, प्लस 8 को 8 भी लिखते हैं हम लोग, ओके। और यहां पर फिर आपका क्या है, प्लस और माइनस दो साइन आ रहा है, लेकिन साइन यहाँ पर पहले हम सिंगल करेंगे, ओके। यहाँ पर दो साइन है तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, हम बता चुके हैं क्या, प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, माइनस, ओके। ये आपको माइंड में सेट कर लेना है, जब दोनों साइन सेम है तो प्लस, दोनों साइन सेम है तो प्लस, अपोजिट साइन है तो माइनस, अपोजिट साइन है तो माइनस, ओके। तो यहाँ देखिए साइन क्या है, अपोजिट ही, यहाँ पे माइनस होगा 9। अब क्या होगा, यहाँ एक प्लस में है एक माइनस में है, इसलिए आपको सब्ट्रैक्शन का केस लगेगा। तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर माइनस कर लीजिए, बड़ा नंबर क्या है 9 है, 9 में से 8 माइनस कीजिए क्या बचेगा 1। लेकिन कौन सा साइन वाला नंबर बड़ा है, मेरा निगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला, मेरा निगेटिव वाला बड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या मैं साइन लगा दूंगी माइनस का, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा, जैसे कि क्या है, प्लस में 27 और माइनस 3 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 27 को 27 लिखेंगे, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30, किसमें, प्लस में, क्योंकि दोनों साइड मेरा क्या है प्लस, इसलिए यहाँ पे आप प्लस 30 लिखे या ओनली 30 लिखे, मेरा बात इक्वल है, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसी में एक क्वेश्चन है आपका क्या, जैसे कि 3 माइनस 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 8, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये माइनस 3 का 3 माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस 8, ओके। अब क्या करना है, दोनों साइन डिफर है, एक माइनस है एक प्लस है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का केस लगाएंगे। जब दोनों साइन सेम रहता है तो एडिशन का करते हैं, तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाएंगे क्या बचेगा 5, यहाँ पे साइन कौन सा बड़ा है, प्लस का, इसलिए प्लस। तो समझ में आया कहाँ पर प्लस करते हैं, कब घटाते हैं और कब जोड़ते हैं, जब दोनों साइन मेरा क्या हो जाता है सेम रहता है तो हम लोग जोड़ देते हैं, यानी कि अगर दोनों माइनस में रहता तो जुट जाता, दोनों प्लस में रहता तो जुट जाता, लेकिन एक माइनस एक प्लस है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया माइनस का हुआ, लेकिन साइन किसका है बड़ा, तो प्लस का, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन लगा, अगर माइनस का साइन बड़ा रहता तो माइनस लगता, ओके। कोई प्रॉब्लम इसमें, आई होप यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। तो इसका वीडियो मैं यही पे एंड करती हूँ, क्यों, क्योंकि इसको समझने के पहले आप लोग मेरा दो वीडियो देखिए और उसका क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, वो सबको भी सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले क्या वीडियो है आपका, बेसिक ऑफ नंबर का देखिए, पार्ट 1, बेसिक ऑफ नंबर का पार्ट 1 वीडियो, ये देखिए एक, और एक देखिए क्या, रूल ऑफ साइन का, रूल ऑफ साइन, रूल ऑफ साइन का एक वीडियो देखिए, ये दोनों वीडियो आप देखिए, इसका भी पार्ट 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और 2 दोनों पार्ट इसका देखिए, पहले इतना ये वीडियो देखिए इतना, इसके बाद में फिर इसके आगे बढ़ूंगी, इसके लॉ पर आऊंगी, एडिशन के लॉ पर आऊंगी बाद में, पहले आप इतना देखकर कंफर्म रखिए कि हाँ बेसिक ऑफ नंबर में कि मेरा इंटीजर नेचुरल नंबर होल नंबर ये सब क्या होता है अच्छे से, और रूल ऑफ साइन को कैसे अप्लाई करते हैं, ओके। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जो आपका वीडियो मैं अपलोड करूंगी तो आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा कि नया वीडियो आ गया है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो ये वीडियो में यहीं पर इंडिया